नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्व मित्र। मसला है, ये जो 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं, इनका हरियाणा की राजनीति पर क्या असर रहेगा, क्या असर पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। हरियाणा में जो लोग भी पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, ये आज की रिपोर्ट उनके लिए है। मतलब इन चुनाव नतीजों के बाद हरियाणा की किस पार्टी के तारे आसमान पर हैं, किस पार्टी के तारे जमीन पर आ गए हैं और किस पार्टी के तारे जमीन से भी नीचे चले गए हैं, सुनिएगा ध्यान से। हालांकि आपने देखा, ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था, आपने भी महसूस किया होगा कि बीजेपी को विश्वास नहीं था कि ऐसा कमाल हो जाएगा। यानी बीजेपी नेताओं को यह विश्वास नहीं था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऐसा कमाल हो जाएगा, मतलब इतनी सीटें आ जाएंगी। वहीं कांग्रेस को यह एहसास नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन हो कैसे गया, इस पर भी ध्यान से सुनिएगा कि बीजेपी क्यों जीत गई और कांग्रेस क्यों हार गई, ये भी बात करेंगे। दरअसल बीजेपी ने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। बेशक वो सोच रहे थे कि ऐसा कमाल नहीं होगा शायद, लेकिन लड़ाई बड़ी जबरदस्त तरीके से उन्होंने लड़ी। कांग्रेस क्यों हार गई, सुनेगा ध्यान से। कांग्रेस जो सोच रही थी कि मध्य प्रदेश में भी सरकार बना लेंगे, छत्तीसगढ़ में भी सरकार बना लेंगे और राजस्थान में भी कमाल हो सकता है, यानी रिवाज जो चल रहा था 5 साल उसकी सरकार, 5 साल उसकी सरकार, मतलब उस रिवाज को वो बदल देंगे। लेकिन आखिर में हुआ क्या, हर जगह बीजेपी जीत गई और कांग्रेस बाजी हार गई। कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में जीत हासिल हुई। अब कांग्रेस क्यों हारी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में और उसका हरियाणा में क्या असर होगा, ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थे, जिसको कहते हैं अति आत्मविश्वास। कांग्रेस के नेताओं को आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। और जब ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कि अति आत्मविश्वास का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो वो फिर घमंड में परिवर्तित हो जाता है। आपने देखा होगा, आपने कमलनाथ को सुना होगा और छत्तीसगढ़ के एक बड़े नेता को सुना होगा, जब उनसे सवाल किया गया कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, कौन अखिलेश यादव, मतलब कमलनाथ ने भी बोला और छत्तीसगढ़ के भी एक बड़े नेता ने बोला कि कौन अखिलेश यादव। अब कमाल है कि मतलब अखिलेश यादव को भी वो नहीं जानते। इंडिया गठबंधन का एक अहम हिस्सा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के सीएम रहे, अगर उनको भी ये लोग नहीं जानते तो आप इसको घमंड ही कह सकते हैं। तो एक बड़ी वजह रही कि घमंड की वजह से कांग्रेस हार गई। दूसरा, गुटबाजी। गुटबाजी आपने देखी होगी राजस्थान में, कब से चली आ रही है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, और इस बीच क्या क्या हुआ, आखिर में मजबूरी में दोनों साथ आए, लेकिन गुटबाजी का असर वहां नजर आया। और मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हुआ, आपने देखा होगा। तीसरी बात है कि एक ही नेता को तवज्जो देना, राजस्थान में भी अशोक गहलोत को तवज्जो देना, सचिन पायलट को उतनी तवज्जो ना देना, और मध्य प्रदेश में सिर्फ कमलनाथ को तवज्जो देना और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को तवज्जो देना, यह भी कांग्रेस को ले डूबा। तो ये 3-4 मुख्य वजह हैं कांग्रेस के हारने की, यानी ओवर कॉन्फिडेंस, जिसको घमंड कह सकते हैं, गुटबाजी और एक ही नेता को तवज्जो देना, जिसकी वजह से कांग्रेस चारों खाने चित हो गए। और बीजेपी, आपको पता है, बीजेपी अपनी पार्टी में किसी नेता को पकने नहीं देती। मतलब अगर उन्होंने किसी स्टेट में किसी मुख्यमंत्री को बनाया और अगर वो मुख्यमंत्री अपनी चलाने लग जाए, अपने आप को वो समझने लग जाए, तो बीजेपी फिर उसको किनारे लगा देती है।
आपने राजस्थान में देखा वसुंधरा राजे के साथ क्या कुछ हुआ, तो मतलब बीजेपी में कोई नेता इतना पक नहीं सकता कि वो फिर अपनी चलाने लग जाए। यानी बीजेपी ऊपर से डिसाइड करती है सब कुछ और किसी नेता को इतना ज्यादा वो तवज्जो नहीं देती, समय समय पर वो चेंज होता रहता है मामला। अब असर हरियाणा में क्या रहेगा, सुनिएगा ध्यान से। अब ये 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद हरियाणा में बीजेपी के तारे तो आसमान पर हैं, यानी कि हरियाणा में बीजेपी का जोश हाई हो गया है, उनके सारे नेता जोश में हैं। कल से आपने देखा होगा खूब मिठाइयां बांट रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, मतलब क्या पूरा जोश हाई है उनका, मतलब हरियाणा बीजेपी का जोश हाई है और उनके जो तारे हैं वो आसमान पर हैं। कांग्रेस के तारे आसमान से जमीन पर आ गए हैं। अगर कांग्रेस जीत जाती, मान लीजिए राजस्थान में जीत जाती, छत्तीसगढ़ में जीत जाती और मध्य प्रदेश में भी जीत जाती, तो आप सोच सकते हैं फिर कांग्रेस का कितना जोश हाई होता हरियाणा में, मतलब उनके तारे भी आसमान पर होते। लेकिन अब उनके तारे नीचे आ गए हैं। अब बात करते हैं जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की। तो जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के तारे जमीन से भी नीचे चले गए हैं, यूं कहिए। जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी राजस्थान में, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, है ना। लेकिन जननायक जनता पार्टी जो 19-20 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, उनके उम्मीदवारों के साथ क्या हुआ, उनका हशर क्या हुआ, ये आप सब जानते हैं। यानी नोटा का जो बटन होता है ना, नोटा मतलब जो लोग नोटा का बटन दबाते हैं, उससे भी कम वोट मिले हैं जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवारों को। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी का क्या हाल हुआ है राजस्थान के चुनाव में। उसके बाद उनके तारे हरियाणा में जमीन से भी नीचे चले गए हैं, यानी उनका जोश भी जो है वो नीचे चला गया है, ठंडा पड़ गया है। अब आते हैं आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी भी खूब धड़ल्ले से चुनाव लड़ रही थी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कई ताबड़तोड़ रैलियां की, इतने रोड शो किए, मतलब खूब। लेकिन हुआ क्या, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सो इन नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के तारे भी जमीन से नीचे चले गए हैं, मतलब उनका जोश भी ठंडा पड़ गया है। तो आपको पता चल गया दोस्तों, यानी बीजेपी का जोश हाई, उनके तारे आसमान पर, कांग्रेस का जोश ठंडा पड़ गया, उनके तारे जमीन पर आ गए हैं, और जेजेपी और आम आदमी पार्टी के तारे तो जमीन से भी नीचे चले गए हैं। अब आते हैं असर आगे क्या रहेगा हरियाणा की राजनीति पर। अभी जो कांग्रेस की पोजीशन अच्छी लग रही थी हरियाणा में कि कांग्रेस कमाल कर सकती है हरियाणा में आगे आने वाले चुनावों में, कि मतलब लोकसभा के चुनावों में भी 2-3 सीटों पर कमाल कर सकती है और आगे विधानसभा के चुनावों में भी कमाल कर सकती है, लेकिन इन चुनाव नतीजों का असर काफी कुछ आगे पड़ेगा। अगर बात करें गुटबाजी के, जिसकी वजह से इन राज्यों में भी चुनावों में असर पड़ा, तो हरियाणा में यानी कांग्रेस में बहुत ज्यादा गुटबाजी हावी है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और पिछले 9 सालों में तो संगठन ही नहीं बन पा रहा है हरियाणा में कांग्रेस का, यानी कि संगठन बनाने में भी एक दूसरे की टांग खींची जा रही है। पीछे आपने देखा होगा कुछ समय पहले जब ऑब्जर्वर भेजे गए थे प्रभारी की तरफ से हर जिले में, तो वहां पर कितनी हुल्लड़बाजी नारेबाजी हुई थी, हाईजैक करने के आरोप लगाए गए थे, मतलब क्या हाल हुआ था। यानी एक दूसरे की टांग खींचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी। हर बार कहा जाता है, मतलब जो भी प्रभारी आता है कि संगठन इतने महीनों में बना देंगे, इतने महीनों में बना देंगे, लेकिन पिछले 9 सालों से हरियाणा कांग्रेस का संगठन नहीं बन पा रहा है और उसके पीछे है गुटबाजी। और गुटबाजी कितनी हावी है ये आप जानते हैं दोस्तों। एक तरफ हुडा गुट है और दूसरी तरफ सुरजेवाला प्लस कुमारी सैलजा प्लस किरण चौधरी। हालांकि इन चारों नेताओं की बात करें, इनकी ड्यूटी लगी हुई थी इन 3-4 स्टेट में। आपको पता है रणदीप सुरजेवाला मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, कुमारी सैलजा छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी,
और किरण चौधरी को कोऑर्डिनेटर शायद बनाया गया था राजस्थान में, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अभी ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था। लेकिन इन तीनों स्टेट में कांग्रेस की हार हुई, और निश्चित तौर पर उस हार का इन चारों नेताओं पर भी असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी कांग्रेस को बड़ा नुकसान और पहुंचा सकती है आने वाले समय में। अगर कांग्रेस के नेता सबक नहीं लेंगे, ये जो हार हुई है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो मान लीजिए फिर इस तरह के नतीजे हरियाणा में भी देखने को मिलेंगे। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब ये चुनावी साल शुरू हो गया है। मान लीजिए कि थोड़े समय बाद लोकसभा के चुनाव हैं और फिर विधानसभा के चुनाव हैं, और जब चुनावी साल शुरू हो जाता है तो काफ़ी नेता दल बदल करते हैं, आपको पता है। 2019 में भी हुआ था काफ़ी दल बदल, और बीजेपी की हवा को देखते हुए दूसरी पार्टियों के कई नेता बीजेपी में चले गए थे, और इनेलो तो लगभग खाली सी हो गई थी। इस बार भी ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ठीक ठाक पोजीशन में अगर नजर आ रही है, तो ऐसा लग रहा था कि दूसरी पार्टियों के कई नेता इस चुनावी साल में मतलब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। यानी अगर कांग्रेस राजस्थान में जीत जाती, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जीत जाती, तो आने वाले कुछ दिनों में आपने देखना था कि दूसरी पार्टियों के कई नेता कतार में लगे नजर आते, यानी कांग्रेस में शामिल होने के लिए। लेकिन उस पर एक बार अब ब्रेक सा लग जाएगा, यानी कि जो दूसरी पार्टियों के नेता, यानी चाहे बीजेपी के नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे, या दूसरी पार्टियों के नेता मान लीजिए, तो वो एक बार रुक जाएंगे, और उनके रुकने की वजह होगी कि वो अभी थोड़ा समय और देखेंगे कि आगे क्या कुछ रहता है। लोकसभा के चुनावों तक वो देखेंगे क्या हवा रहती है, क्या कुछ रहता है, और फिर लोकसभा के चुनावों के बाद वो दल बदलू जो नेता हैं वो अपना फैसला लेंगे। हालांकि ये राजनीति है दोस्तों, और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखना होगा आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। लेकिन ये जो 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं, थोड़ा समय इसका असर पूरे देश में देखने को मिलेगा, यानी दूसरी स्टेट में भी इसका असर रहेगा। फिर 1-2 महीने बाद हम देखेंगे कि फिर क्या कुछ नज़र आता है। वहीं जो इंडिया गठबंधन की बात चल रही थी, आपने देखा होगा, यानी लोकसभा के चुनावों में पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए जो विपक्ष की पार्टियां इकट्ठी हो रही थी, अब उनकी आगे मीटिंग भी होनी है, लेकिन इंडिया गठबंधन में भी अब वो बात नज़र नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस काफ़ी जोश में थी। पीछे जब चुनाव हुआ था कर्नाटक का, हिमाचल का, कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद जो विपक्ष की दूसरी पार्टियां थी वो भी कांग्रेस के साथ आ खड़ी हुई थी, और इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया था। लेकिन अब कांग्रेस का जोश जो है वो ठंडा पड़ गया है। अब दूसरी पार्टियों के नेता भी बोलने लग गए हैं, कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लग गए हैं, कांग्रेस के बारे में बोलने लग गए हैं। कल से आपने देखा होगा दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं, विपक्ष की पार्टियों के नेता हैं, वो भी कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। तो देखना होगा अब इंडिया गठबंधन का भी क्या कुछ रहता है। सो दोस्तों, क्या कुछ कहेंगे आज की इस रिपोर्ट पर, जरूर कमेंट करके बताइएगा। नीचे कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये रिपोर्ट आपको ठीक लगी तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आप हमारी आने वाली वीडियो मसले भी देख पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।